जहाँ राज पाट धन सुख वैभव भाई के लिए तजा भाई ने, जहाँ पितृ वचन के पालन को वनवास किया रघुराई ने, जिसे अवधपुरी संसार कहे जहाँ निर्मल सरयू धार बहे, जहाँ कण कण में बसते हैं रघुवंश शिरोमणि राम, चलो दर्शन करने चारों धाम में परम अयोध्या धाम। जय दशरथ नंदन राम लला, जय कौशल्या सुख धाम लला, जय दशरथ नंदन राम लला, जय कौशल्या सुख धाम लला, जय दशरथ नंदन राम लला, जय कौशल्या सुख धाम लला, जय दशरथ नंदन राम लला, जय कौशल्या सुख धाम लला। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, टुडेज ब्लॉग अयोध्या 2। और आज की इस ब्लॉग में हम लास्ट में एक कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ कीप मत करके पूरा वीडियो देखते रहिए। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, टुडेज ब्लॉग अयोध्या एक्सप्लोर। और अभी हम लोग रुके हैं ताराजी रिसोर्ट पे। एक बार तो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, लेट्स गो। आज ब्रेकफास्ट में है अचार, ये है पूरी, ये है पोहा, और ये बस अभी रेडी हुआ है। ये है आलू का सब्जी, और ये है खीर, और इसमें है सैंडविच जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ये है सैंडविच। ना हम ब्रेकफास्ट का प्लेट कर लेंगे रेडी। तो मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट हो गया है रेडी। ये देखिए इसमें है पूरी सब्जी और सेवई, जो हमने खीर बोला था वो खीर नहीं है, वो सेवई है। तो नाउ आई एम रेडी। चलिए अभी हम लोग निकल जाते हैं अयोध्या एक्सप्लोर करने के लिए। सो बाय बाय, लेट्स गो। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोग को तो हम इंडोर टूर करवा दिए थे, और ये देखिए ये है आउटडोर। और मौसम तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मौसम ने तो पूरा साथ ही दे दिया। तो चलिए और ज़्यादा लेट नहीं करके अभी हम लोग तो निकल जाएंगे। और ये घंटा है जो तमिलनाडु से आया मंदिर निर्माण के लिए रामेश्वरम से, जो तमिलनाडु के राम भक्तों ने मंदिर के लिए घंटा बिल डोनेट किया, दान किया। जब न्यू नया राम का मंदिर बनेगा ये घंटा बिल राम मंदिर पे जाएगा। जो आप लोग राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये घंटे का वजन 6 क्विंटल 13 किलो का। 6 क्विंटल 13 किलो। देखिए पुराना राम का मंदिर ऐसा था जो 1528 में बाबर बादशाह ने राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद निर्माण किया, जो 1992 में बाबरी मस्जिद कोठारी शरद कुमार कोठारी, ये दोनों बने हुए। ये सभी जो बाबरी मस्जिद में झंडा लगाया था, ये सभी जो आप पत्थर देख रहे हैं, पत्थर स्टोन, ये सभी राजस्थान से आया मंदिर बनाने के लिए। ये स्टोन का नेम रेड मार्बल, पूरा पत्थर का काम रेडी हो जाता है, एक एक पत्थर मंदिर के लिए जाता है। जो राम मंदिर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में आकर के राम मंदिर के भूमि पूजन किया, शिलान्यास कर दिया, उसी जगह मंदिर बनाने का काम आज चालू है, अभी काम चल रहा है करेंगे। ये सभी पत्थर देख करके फिर गाड़ी बैठ के आगे दूसरा मंदिर। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्।
माना जाता है ये चिड़िया रानी भाग्य बताती है। हम लोग जा रहे हैं कोणार्क भवन। कोणार्क भवन अयोध्या की राम जन्म भूमि में है। रामकोट के उत्तर पूर्व दिशा में है ये भवन। माना जाता है ये भवन भगवान श्री राम जी के विवाह के तुरंत महारानी केकी माता ने उपहार स्वरूप सीता माता को दिया था। चलिए देखते हैं ये महल अंदर से कितना सुंदर दिखता है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था तो इसलिए हम कैमरा अच्छा से नहीं कर पाए, और एक बात तो हम खुद का भी कैमरा नहीं लाया था क्योंकि जब हम राम मंदिर गया था तब सारा लॉकर में था। फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग को जितना दिखा पाते हैं दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं कनक भवन घूम के दशरथ महल। चलिए तब अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर से कितना सुंदर है। संग बैराग लेके आयो 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 बादर थारे अंगना हो बादर थारे अंगना हो। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम अभी होटल पहुंच गए हैं, तो हम लोग को अयोध्या घूमने में तकरीबन 3 आवर्स लगा, जैसे थोड़ा ज़्यादा लग गया हम लोग को इसलिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और अभी हम लोग होटल में भी आ गए हैं तो चेकआउट भी कर लेंगे। और एक ज़रूरी बात जो आप लोग को हम बताना चाहते हैं वो है, आप लोग अयोध्या के कभी भी गाइड मत लीजिएगा, वो फ्रॉड होता है। जैसे कि गाइड का तो कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, कोई बाहर आप लोग को बोलेगा कि गाड़ी ले गाइड ले लीजिए क्योंकि आप लोग का गाड़ी अंदर नहीं जाने देगा, ये वो बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग गाइड छोड़ के भी बहुत अच्छा से घूम सकते हैं क्योंकि सब है आसपास 100 मीटर ऐसे ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।